हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टील कटर क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं और इसको यूज करने के पीछे इसका रीज़न क्या है। बेसिकली स्टील कटर को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम सेटरिंग वर्क को नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जैसे कि ट्रैफिक ज़्यादा है या रेलवे ट्रैक है, क्योंकि रेलवे ट्रैक का तो हम बंद नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्टील कटर को नीचे बनाते हैं और इसको हम एयर कैप के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद सेटरिंग वगैरह लगा के डेक बीम डाल के रोड को तैयार किया जाता है। ज़्यादातर आपको ये स्टील गटर नदी में और रेलवे ट्रैक के ऊपर जो पोर्शन होता है उसके बीच वाले स्पैन में इसका हम गटर का यूज करते हैं। इसके ऊपर जो वर्टिकली पोर्शन में दिख रहा है ये हमारा डेक में मर्ज हो जाएगा, जिससे कि हमारा डेक में जाके ये गटर इंटरलॉक हो जाएगा और डेक और गटर के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके बीच में ये जो बोल्ट देख रहे हैं, इसको बोल्ट को पहले से डिजाइन किया जाता है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से ड्राइंग होती है उसको प्लेट लगा के बोल्ट को एडजस्ट किया जाता है। ये पहले तो गटर अलग अलग आते हैं, फिर साइड पिन को लगा के जोड़ा जाता है और वेल्डिंग की जाती है। इसमें जो वेल्डिंग यूज होती है उसमें किसी इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रोड की जगह पे इसमें यह बंडल जो है दिख रहा है इसको यूज किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहता है और हमारा जिस हिसाब से वेल्डिंग होती रहती है उसी हिसाब से ये अपना इलेक्ट्रोड इसमें जो है जाता रहता है। इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। इस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसको जो है बेसिकली गटर और मास आयरन वर्क में इसका यूज किया जाता है। देख सकते हैं ये मशीन है जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रही है, इसमें वेल्डिंग हो रही है। अभी फ़िलहाल तीन गटर को हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि इस स्पैन में लॉन्च करेंगे। ये तीन गटर के बोल्ट वगैरह लगा के तैयार किए जा चुके हैं जो कि इस स्पैन के ऊपर रखे जाएंगे। दूसरा स्पैन इसका ये है, इसके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में रेलवे ट्रैक है, इस पर हम लोग को सेटिंग लगाना पॉसिबल नहीं है। इसको रख के इसमें डेक वगैरह ढलाई करके इसमें हम लोग रोड बनाएंगे।